नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से इसको कंटिन्यूएशन में डालेंगे। डेफिनेशंस जो हमने पिछली बार डिस्कस नहीं की थी डिटेल में, हमने जैसे पहले आपको कहा था कि जो हमने इकोनॉमिक्स को जो बांटा है सहूलियत के लिए, वो पांच हिस्सों में बांट दिया है। जैसे वेल्थ इकोनॉमिक्स था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स था, ये दोनों हमने डिटेल में डिस्कस किए लास्ट लेक्चर में। आज हम स्केयरसिटी और वॉन्टलेसनेस, जो JK मेहता जी का कॉन्सेप्ट रहा है, उस पर हम बात करेंगे, और ग्रोथ ओरिएंटेड को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे कि वेल्थ डेफिनेशंस में मैंने आपसे कहा था कि उसके जो प्रोपोनेंट्स रहे हैं उसमें एडम स्मिथ ने काफ़ी काम किया है, JVC ने, रिकार्डो, JS मिल, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में एल्फर्ड मार्शल, पीगू, इन सब का बहुत अहम योगदान रहा है। तो ये किस तरीके से हम इसको स्केयरसिटी को देखेंगे, चलिए हम शुरू करते हैं। और जैसे कि प्रोफेसर एरिक रोल, इस पे भी हम बात कर चुके हैं, इन पे ये इसका पार्ट टू होगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बेसिकली स्केयरसिटी के हम ज़्यादातर एसोशिएट करते हैं प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स के साथ। रॉबिन्स की कि मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है रॉबिन्स जी ने। इसमें जो की पॉइंट्स हैं उसको तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अनलिमिटेड एंड्स, स्केयर मीन्स और अल्टरनेटिव यूजेस। अनलिमिटेड एंड्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ह्यूमन है अगर वो चाहे तो वो सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन जो हमारी वॉन्ट्स होती हैं, जैसे कि मनी के डेफिनेशन में भी है कि मनी वो तब तक नहीं होती जब तक उसको बैक ना किया जाए उस डिमांड को। तो बेसिकली जो डिमांड और वॉन्ट में जो फ़र्क है वही हम यहाँ पर ला रहे हैं। जो मनी जो होती है अगर वो डिमांड को अगर वो बैक करेगी तो ही वो उसको इकोनॉमिक टर्म्स में हम उसको संजीदा मानेंगे, नहीं तो वॉन्ट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हो सकती हैं हमारी। और इसको जो पूरा करने के लिए स्केयर्स रिसोर्सेज होते हैं, चाहे आप कितना बड़ा भी कॉरपोरेट हाउस ले लें, सबको मार्केट से पैसा लेना पड़ता है, तो जो स्केयर्स रिसोर्सेज होते हैं वो आप हर चीज़ सब कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट्स भी सब कुछ नहीं कर सकती। जैसे हम इंडियन इकोनॉमी में देख रहे हैं गवर्नमेंट PPP मोड की बात करती है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सब कुछ अगर हम सारी जो हम एक लिस्ट बना लें अगर तो हम उनको देखें तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे वो हमेशा कम होंगे। इसीलिए बजट बनता है, बजट पर हमने काफ़ी बातें की हैं। तो स्केयर्स मीन्स हमेशा से रहे हैं। तो रॉबिन्स जी की ये तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। और अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस में उन्होंने चॉइस की बात की है कि जब आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की तरफ बात करते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए, एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इस पर अल्टरनेटिव यूजेस की बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली इसमें प्रोफेसर लर्नर की एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो इंपॉर्टेंस कहा था ये चॉइस मेकिंग के ऊपर, जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, कि चॉइस फॉर स्पेसिफिक एंड इज पॉसिबल, चॉइस फॉर स्पेसिफिक एंड इज पॉसिबल ओनली अंडर द कंडीशन ऑफ स्केयरसिटी ऑफ मीन्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। तभी हम इसके अंदर अगर ये डेफिनेशन आ जाती है, नेट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और हम अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो जो इसकी जो बुनियादी चीज़ है वो ह्यूमन बिहेवियर की इर्द गिर्द वो इकोनॉमिक्स को रखना चाहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो एनालिटिकल है काफ़ी। इन्होंने कहा है कि जो मैन का जो एक्शन है वो उसको स्टडी किया जाना चाहिए उसकी चॉइस मेकिंग के पर्सपेक्टिव में, कि अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं ठीक है फेयर इनफ, लेकिन हम किस कंटेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। तो वो जो कंटेक्स्ट जो रॉबिन्स जी के हिसाब से है वो ये है कि उसकी चॉइस मेकिंग किन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है। ये बाकी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी ये थोड़ा सा देखने के लिए इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरह इसको हम देखा जाएगा। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ये रॉबिन्स ने कई मरतबा कहा है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, इसका मतलब जो रॉबिन्स जी के हिसाब से वो ये है कि इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। अब इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स हैज़ नो रिलेशनशिप्स विद एंड्स। तो जिस तरीके से वेदर इट इज़ गुड और बैड, जस्ट और अनजस्ट, तो इन सी चीज़ों से इकोनॉमिक्स को इन्होंने हटा दिया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो गुड बैड अजस्ट अनजस्ट नहीं होती है। तो इसका जो है कि नेचुरल न्यूट्रल होती है ये एंड्स को लेके। तो ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है कि किस तरीके से वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को आपस में एलोकेट करेंगे और अल्टरनेटिव यूजेस पे और अनलिमिटेड वॉन्ट्स की तरफ उसमें से काफ़ी सारे वॉन्ट्स को पूरी करने की कोशिश करेंगे। और इसके जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन को बहुत तवज्जो दी गई है। इसमें प्रोफेसर विक्सटेड का जो है, प्रोफेसर विक्सटेड ने इसमें कहा है इट्स लॉज आर द लॉज ऑफ लाइफ एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स। तो उन्होंने, अब चाहेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में इनको मैं डेफिनेशंस को लिख दूंगा, लेकिन ये डेफिनेशन आसानी से मिल जाएंगी। तो विक्सटेड ने ये कहा है कि इट्स लॉज आर द लॉज ऑफ लाइफ, तो ये जीवन के नियमों पे बात कर रहे हैं, एंड आर केपेबल टू ऑल फील्ड्स, और ये सभी फील्ड्स में लागू होती हैं, एंड देर इज़ नो कनेक्शन व्हाटसोएवर विद बिजनेस और प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो जिनका कोई कनेक्शन भी ना हो प्रोडक्शन से और बिजनेस ऑफ वेल्थ से, उनको भी ये इन्फ्लुएंस करेगा। इसका क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुआ है
द क्रिटिसिज्म है, मैं बेसिकली इसमें डर्बिन ने क्रिटिसाइज़ किया है रॉबिन्स के डेफिनेशन को, बार बार वुटन ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, फ्रेजर ने किया है, मैकफाई ने किया है, तो इन्होंने काफ़ी, जब मैं एक दो डेफिनेशंस आपको दे देता हूँ, जैसे प्रोफेसर थॉमस ने कहा है, द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट इज़ नॉट ओनली टू एक्सप्लेन बट ऑल्सो टू एडवोकेट एंड कंडेम, जो रॉबिन्स की डेफिनेशन में एक लिमिटेड है। और इसी तरीके से बारबरा वुटन ने कहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इकोनॉमिस्ट टू डाइवर्ट देयर डिस्कशन कम्प्लीटली ऑफ नॉर्मेटिव सिग्निफिकेंस, कि हम जो हैं डिस्कशंस अगर हम करेंगे तो हम नॉर्मेटिव सिग्निफिकेंस से आगे भी देखेंगे। तो जिस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर जो है ये इनहेरेंट ले लिया इन्होंने डेफिनेशन के अंदर, पर हर बार ऐसा नहीं हो पाता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स ये अपने आप में विरोधाभासी है, और इकोनॉमिक्स इज ओनली अ पॉजिटिव साइंस बट ऑल्सो एन आर्ट, ये काफ़ी लोगों ने इस पर कहा है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डर्बिन, बारबरा वुटन, फ्रेजर और मैकफाई ने क्रिटिसाइज किया है रॉबिन्स की इस पर्टिकुलर स्केयरसिटी डेफिनेशन को। तो डर्बिन, जो ये रॉबिन्स की डेफिनेशन है, ये स्टैटिक भी है, इनएडिक्वेट भी है। इसका मतलब है कि इसने जो डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज का है वो कम किया गया है, उसको कम तवज्जो दी गई है। जिस तरीके से इसमें अगर डेफिनेशन में करेंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, डिप्रेशन है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है, इनको काफ़ी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन रॉबिन्स की डेफिनेशन के हिसाब से ये स्टैटिक हैं, ये डायनामिक नेचर में नहीं आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है रॉबिन्स की डेफिनेशन को लेके। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें स्ट्रिंगलर, जोशफ मैकेना, मिल्टन फ्रिडमैन और कैनक्रॉस की डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्टन फ्रिडमैन ने ये कहा है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर सोसाइटी सॉल्व्स इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, किस तरीके से एक सोसाइटी जो है वो अपनी आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करेगी। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा वहाँ पर होगी वेर एवर अल्टरनेटिव एंड्स आर यूज टू सेटिस्फाई अल्टरनेटिव एंड्स, जो यहाँ पर वैकल्पिक जो होंगे, जो हमारे जो एंड रिजल्ट्स हैं, तो उनको किस तरीके से एलोकेशन, बेसिकली इसमें एलोकेशन की बात की गई है। और मिल्टन फ्रिडमैन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने केन्स को भी चैलेंज किया था, हम केन्स पे एक सेपरेट फीचर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरीके से स्टिगलर ने कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स अमंग कम्पीटिंग एंड्स, तो आपस में जो लोग कम्पीट कर रहे हैं उनके बीच में इसका किस तरीके से वितरण होगा उस एलोकेशन को, और उसमें मैक्सिमाइज करना सके बेनिफिट के लिए, और अटेनमेंट ऑफ द एंड्स को, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, इसको स्टिग्नर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट तवज्जो दी है। चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं वॉल्टनेसनेस की, इसमें प्रोफेसर जेके मेहता जी का बहुत रोल है। उन्होंने ये कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन्स टू एन एंड ऑफ वॉन्टलेसनेस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एज अ मीन्स टू एन एंड ऑफ वॉन्टलेसनेस, जहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए। इन द अबव डेफिनेशन, ये बेसिकली इसमें जीरो वॉन्ट्स लेवल की बात की गई है, ये काफ़ी फिलोसफिकल है, इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है ये। और इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें स्टेज ऑफ वॉन्टनेस को एक प्रोसेस की तरह बताया गया है। तो मेहता जी का जो कॉन्सेप्ट है ये रॉबिन्स से बिल्कुल अलग जाता है, काफ़ी अलग दिशा में चला जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको हाईएस्ट लेवल को एडवोकेट करें हैप्पीनेस, इन्होंने इसको हैप्पीनेस के साथ जोड़ दिया, जबकि रॉबिन्स ने हैप्पीनेस को लेके एक साइलेंट रवैया अपनाया था, कुछ भी नहीं कहा था उसमें। तो हम ये मान के चलते हैं कि रॉबिन्स जो थे उन्होंने हैप्पीनेस पे कुछ कहा ही नहीं है। तो किस तरीके से हैप्पीनेस ये मोर ओवर फिलोसफिकल ही लगती है, और इसकी क्रिटिसिज्म जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है फिलोसफिकल से। इसमें जीरो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो फिजिबल ही नहीं है। अगर आप रियल प्रैक्टिकल सेंस में देखें, जिस तरह से आप आज की इकोनॉमिक परिस्थितियाँ देखें, ग्लोबली देखें, नेशनली देखें, तो ये डिज़ायरेबल नहीं है ये, लेकिन आध्यात्म के लिए ठीक है। इसमें गांधीयन वैल्यूज़ जैसे हैं उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं एक हद तक, लेकिन इंडिपेंडेंट आपका होगा। लेकिन मेहता जी की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके बाद जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस होंगे हम उनको अलग से करेंगे लास्ट लेक्चर में होगा इसमें इससे रिलेटेड। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जिन इकोनॉमिस्ट के मैंने आपसे यहाँ पर अभी नाम मेंशन किए हैं, मिल्टन फ्रिडमैन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कीनन, स्टिंगलर, रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, ये सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, अगर हम अर्थशास्त्र को, एक अच्छी बात ये हुई है कि हम यहाँ से अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाने की पोजिशन में अब आ गए हैं। तो हम इकोनॉमिक्स को इस दायरे में हमने लिया है, और हम इसको आगे देखेंगे और परस्पर किस तरीके से इकोनॉमिक्स यहाँ से आगे जाएगी, और अब हम एक साउंड फुटिंग पे आ गए हैं। चलिए हमसे आप ये डेफिनेशंस के अगले लेक्चर में मिलेंगे ग्रोथ में, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।